वो तो भैया का भैया लोरम का लेजेंड उसको मैंने ये में जाना पड़ेगा, लिगेसी में जाना पड़ेगा। लोरम जो इतना अच्छा अच्छा हमारा सोसाइटी में एक अच्छा सिंगर भी है, कलाकार भी है, उसका पीछे में तो भाई लोग जाएगा है। अभी उसको ले लोरम भी वेलकम कर रहा है, सबको आगे ले जाएगा। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खुशी का मतलब? खुशी का मतलब वो लोग जहाँ हम तो हमेशा उन लोग साथ में है, कोई भी उनका ये उसके अच्छा काम के लिए आगे के लिए हम हमेशा साथ देगा। सर यूथ लोगों को देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल करके आ गया, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री हम लोग का यहाँ में होना चल रही इतना खास नहीं बाहर का कंपेयर में, तो सर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैसे करके मदद करना चाहिए आपको क्या ना? स्टेट गवर्नमेंट तो समय में करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोविजन है स्पोर्ट्स के लिए भी अपना प्रोविजन है, और इसके ये गाना का सिंगिंग का ये जो भी हो उनका अपना अपना वो समय आ जाएगा, समय में मदद करेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी ये इसके लिए यूथ के लिए है, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, कुछ भी हम पेमा कांदू गवर्नमेंट जो है ना यूथ वेलफेयर गवर्नमेंट है, वो आने वाले यूथ के लिए कोई भी काम में इसके लिए मैंने काम करने के लिए तैयारी में है। बहुत अच्छा है, अच्छा इतना अच्छा मैंने हम मालूम नहीं था, इतना शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा एल्बम रिलीज किया है, हम मालूम भी नहीं था इतना अच्छा उनका जो वो शूटिंग भी अच्छा है, गाना भी अच्छा है, डांस भी अच्छा है। सर गाना में देखा है कि लोकल ट्रेडिशन तो हम लोग का निश्चित ट्रेडिशन है, पूरा इन लोग फॉलो करने का ट्राई किया, उसमें सर क्या बोलना? हाँ वो तो हम लोग तो अपना कल्चर अपना आइडेंटिटी तो इम्पोर्टेंट है। आज का दिन में तो क्या है हमारा मिट्टी हमारा ये है, तो आज का दिन में तो वोकल फॉर लोकल अपना कल्चर जो भी है वो अच्छा है, मतलब अपना ट्रेडिशनल कल्चर नंबर वन हम लोग अपना कल्चर को प्रमोट करना है, अपना भाषा को पहले सीखना है, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ने लिखने सीखेगा लेकिन अपना भाषा तो अपना कल्चर के साथ अपना ट्रेडिशनल के साथ में जाना पड़ेगा। देखिए कोई भी इंसान समाज में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा मैसेज सिर्फ आपका गाना का द्वारा भी बहुत सारा मैसेज देते हैं समाज में, और ये जो बाई ना ये बामंग नानू ने जो कदम उठाया है ये हम तारीफ बहुत सराहना करते हैं उनको, और समाज की तरफ से उसको बधाई देते हैं, क्योंकि समाज को एकजुट करने के लिए ये जो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लेकिन समाज को एकजुट करने में और समाज को बहुत बड़ा मैसेज देता है कि कैसे आप आगे बढ़ना है और नया पीढ़ी को कैसे अपना समय को बेहतर रूप से इस्तेमाल करके आगे बढ़ लेके जाना है, ये एक शानदार उदाहरण है उसमें। सर यहाँ पर फेस्टिवल का भी जिक्र किया था, तीन फेस्टिवल को दिखाया था, म्यूजिक का, गुरुता, न्योपिता और लोपेता। हाँ देखो फेस्टिवल ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग का अरुणाचल एकता में अनेकता है, इसमें बहुत सारे व्यवसाय मतलब हम लोग का कम्युनिटी बसे हुए हैं, और उसमें निशी जो है बहुत बड़ा समुदाय है अरुणाचल में, उसमें जैसे कि आपका 5 लाख संख्या है, और इसमें से जैसे हमने बोला कि निशी समुदाय के बीच में 3 जो फेस्टिवल है, एक तो बुरी बूट फेस्टिवल है, और एक तो न्योकुम युलो है, और एक तो लोंगटे है, तो एक ये फेस्टिवल सिर्फ एक अपना जो कल्चरल को शोकेस नहीं करने के लिए सिर्फ करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एक हम लोग का अपना जो है रीति रिवाज जो पहले से हम लोग जो कैसे करके आया उसको प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन ये बहुत बड़ा कदम है, और ये अभी जो कैसेट जो बनाया है उसमें उसको दिखाने का जो प्रयास किया है, मैं जो प्रोड्यूसर है रीमार गाव साहब और जो डायरेक्टर है बाय बामंग नानू को मैं सराहना करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ कि और मैं उनको आने वाले दिनों में और ऐसा और ज़्यादा प्रोजेक्ट लेके आओ ताकि समाज को एकजुट करने में उनका बड़ा योगदान हो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा संगा गाई नहीं मतलब संगी गाई संगी गाई जो ये निशी वर्ड है, इस ये पुजारी का पृष्ठ का वर्ड है, मरने के बाद हम लोग उसको बोलता है न्योकु काल मतलब आत्मा को सुखी राह पर या हेवन में पहुंचाने के लिए हम लोग उस समय बोला जाता था पुजारी के द्वारा, ये एक स्वर्ग का शब्द है निशी में या तो हेवन कह सकता है ये है। और तो नानू बाई के लिए तो मैं क्या कहूँ, नानू बाई तो मैं मुझसे जुड़ा हुआ है पहले से, ये जो बामंग परिवार जो है खास कर ये मेरा बेटा लगता है, इसका पिताजी जो मेरा बेटा है
दीदी का बच्चा, बेटा कहने का मतलब दीदी का बच्चा है। और जो यहाँ लगा हुआ है जैसे कि कोरियोग्राफर बगजम भाई है, आपका ये बामंग साइमन है, ये दोनों साथ में हो तो कैसे सफल नहीं होगा। और उसके साथ बामंग नानू हो, और बामंग नानू ऐसे आर्टिस्ट है, ऐसे सिंगर है जो हार नहीं मानने वाला। और मैं उसको यही कामना करता हूँ जिंदगी में आने वाला कल को भविष्य में सफलता की मंजिल को छुए, और यही कामना के साथ मैं मामा के नाते समाप्त करूँगा। जी जी, जो संगी गाय जो है रिलीज होगा जो आपका ये आने वाला दिसंबर, हम लोग का भाषा में कहते हैं राते पोलू, मतलब दिसंबर को राते पोलो कहते हैं, 7th को होगा, 7th को जो रिलीज होगा, और 7th को प्रीमियर के रूप में आपका ये डीके हॉल में रिलीज होगा, 8 तारीख को पूरे अरुणाचल और बाहर में भी हो सकते हैं ऐसे अंदाजा है। फिल्म का लोकेशन कहाँ का सेटिंग हुआ था, कैसे था आपका एक्सपीरियंस? जो फिल्म का लोकेशन है जंगल में, जैसे कि मुझे आप लोग नहीं पहचानते होंगे, मैं बेरिया में भी हूँ और बेरिया में भी है, और छोटे मोटे किरदार करते रहता हूँ, नेगेटिव रोल। जो ये हमारा जो शूटिंग जो है नवंबर दिसंबर को हुआ था, सगाली से ऊपर जंगलों में हुआ, जो कि जहाँ सच में भी बोलता हूँ बरता सांप में सबसे जहरीला सांप, हमारा जो समाज में मानते हैं बरता, उससे जहरीला सांप नहीं होता, उन जगह पे जहाँ टाइगर होते हैं, जहाँ बालू होते हैं, उसी जंगल में हम लोग ने शूटिंग किया ये जो शूटिंग जो है। और मेरा एक्सपीरियंस यही था कि आज तक अरुणाचल में यदि प्रोडक्शन हाउस है बोलने से, ये जो आपका ये बॉलीवुड को छोड़ दीजिए तो अरुणाचल में हाली वैली सर का है, जो एलिशन वैली सर का प्रोडक्शन हाउस जो स्पेस जो है, आज तक का यहाँ हमारा यहाँ का अरुणाचल का एक ऐसे फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो थोड़ा बॉलीवुड से मिलता जुलता इंतज़ाम करके, और अपना कास्ट मतलब जो आर्टिस्ट लोगों को अच्छा ये क्या बोलता है खाने पीने का अरेंजमेंट, एवरीथिंग अरेंजमेंट, आने जाने का, और जो आपका जो चार्ज वगैरह होता है जो एक्टर्स को मिलना चाहिए वो दे देता है। टीजर को देख के लगा है कि बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए तो पूरा लायक होगा फिल्म जो, तो आपको क्या एक्सपेक्ट है? हम लोग का अरुण उठ बोलता है अरुणाचल में फिल्म बोलता है, तो क्या एक्सपेक्ट है अरुण उठ को? मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड को तुलना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग हम लोग का पिताजी है, मतलब पिताजी तो बहुत छोटा वर्ड है, दादाजी है, हम तो उन लोगों का, हम लोग तो ये क्या बोलता है बेटा का बच्चा है। हमारा अरुणाचल अभी जो कि इस राह पर चल पड़ा है, अभी शुरुआती ज़्यादा साल नहीं हुआ, 1976 में मेरी माँ मेरा धर्म तो शुरू हुआ था, लेकिन बीच में गैपिंग हो गया था हमारा जो यहाँ में, तो फिर हमारा ताई तुगुंग ने फिर कोशिश किया, मेरा दोस्त है, हम दोनों बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ाई की है दिल्ली में, तो हम दोनों ने फिर शुरू करके बहुत लोग बीच में काम किया, जैसे आपका 0 किलोमीटर ईटानगर, वो मेरा लाइफ स्टोरी रियल स्टोरी है, मेरा ऊपर में फिल्म बनाया गया और अभी पार्ट टू भी बनाने को है। तो मैं यही कहूँगा कि इतने बैकवर्ड जगह में ऐसे फिल्म बनाना, क्या बोलूँगा, आप ही शब्द को निकालिए जी, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगा। देखिए ऐसे जंगल में मोर नचा किसने देखा इस टाइप का है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा देखने के बाद ही बोल सकता है, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। अंगुल हम लोग का जो भाषा में इसी में कहते हैं सुदुम लिंगमा दे इकलिंग चो, यदि हिरण नहीं निकलने से पहले कुत्ते निकल जाते हैं तो हादसा हो सकते हैं, इसी तरह मैं पहले कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। ये कापुंग एल्बम एक्चुअली मैं नाम रखा था कापुंगे काकीने बोल के, क्योंकि कापुंगे बोलने से हम लोग का यहाँ का तरफ से बोलता है, काकीने उस साइड का तरफ से बोलता है, तो एक ये जो सॉन्ग जो है मैंने पार से एन दिन तक बहुत ही कठिनाई आए हैं, बहुत तकलीफ भी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ का ग्रुप का सपोर्ट का वजह से, हम लोग का टीम वर्क का वजह से, ये जैसे तैसे करके हम लोग का टीम वर्क ज़्यादा यूनिटी का वजह से सक्सेसफुल हुआ है। हाँ ये जो ऐसे था कि ये सबसे फर्स्ट मैंने गाना को पर सोचा कि गाना को ऐसे बनाना है, फिर मैंने डायरेक्शन का थ्रो इसको स्क्रिप्ट लिखा, इसके बाद डायरेक्शन को ऐसे होना है बोल के मैं बहुत मेहनत किया, ये मेरा फर्स्ट था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ऑडियंस का तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे बहुत खुशी लगा कि मेरा फर्स्ट डायरेक्शन बोल को अच्छा लगा ऑडियंस को, ये जो हम मेरा डायरेक्शन क्या पसंद आया वो चीज़ के लिए मैं बहुत जितना भी आप लोग को मीडिया जो हम लोग को सपोर्ट अभी कर रहा है और जितना भी ऑडियंस है दिल से धन्यवाद करते हैं, और मेरा फर्स्ट डायरेक्शन में मैं ये मुकाम तक मैंने ये इतना तक करेगा कि मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था लेकिन करके आया है। बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए क्योंकि टीम हम लोग का जो दीवार होता है, लेकिन
होता है, तीनों को मिक्सअप करके दिखाने के लिए कोशिश की, इतना छोटा सा कैसे करके आपको थॉट आया ये और क्या क्या सहना पूरा? अच्छा, ये जो ऐसा है पर्स फर्स्ट ऑफ ऑल में ऐसे तक कि पर्स लास्ट टाइम में एक लुंगटे गाना रिलीज़ किया था ना, तो लुंगटे गाना रिलीज़ किया था तो वो बहुत कम समय में मैंने रिलीज़ किया, लुंगटे जस्ट कल परसों आने था ऐसे दिन में रिलीज़ किया। तो इसके बाद से मैं एक ऐसे सोचा कि क्योंकि हम लोग का यहाँ में तीन फेस्टिवल होता है निशु में, निशु कम्युनिटी में, और हम लोग का अपना अपना एरिया का अपना अपना एक विश्वास होता है कि कल्चरल चीज़ को विश्वास होता है, तो हम यहाँ में एक यूनिटी शो करना चाहता था ये गाना पे, कि जही कभी कभी होता है कि हम लोग एक दूसरे को फेस्टिवल चीज़ में आर्गूमेंट्स हो जाता है, तो लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का टीम का ये तो था कि हम लोग ये फेस्टिवल सबका है, निशु का बोले तो एक फेस्टिवल बस, इसको कहने का तरीका दंग अलग होता है, तो ये चीज़ को हमने यूनिटी को शो करने के लिए गाना एक्चुअली मैंने बनाया था। तो मेरा एक्चुअली टारगेट ये था कि इसलिए मैं जीरो गया क्योंकि वहाँ का कल्चर भी जानना चाहिए हम लोग का निशिंग का, क्योंकि वहाँ में वहाँ का माहौल जो अलग होता है, लेकिन हम लोग का निशिंग का कल्चर को बहुत कम जानता है वहाँ पे, तो वही चीज़ को ही शूटिंग में वहाँ जाके मैं एक्सपीरियंस करने ले गया ये थीम को जीरो अंडर में ना, तो वही चीज़ एक्सपीरियंस लेके यूनिटी के लिए गाना को एक्चुअली डेडिकेशन से बनाया। ये ऐसे कि एक नशा है ये ट्रेडिशनल में ना, जो आर्टिस्ट को जो फोक सॉन्ग का बारे में मालूम, जैसे डॉक्टर बामंगलोर मेरा अच्छी है इसको पता है, फोक में एक नशा है, फोक जो ट्रेडिशनल चीज़ का वो एक नशा है, तो शायद वो नशा मुझ पर चढ़ गया, तो वो चीज़ को मुझे बहुत दोस्तों ने मुझे सजेशन की कि ऐसे मत बनाओ, गुवाहाटी में शूटिंग करो और म्यूजिक को ऐसे स्टाइल में डालो, गिटार ऐसे बेस डालो ऐसे डालो, लेकिन मेरा सोच था कि मुझे अपना कल्चर जो फोक जो बचपन से हम लोग माँ पिताजी सुनाते आया है वो चीज़ को एग्जांपल लेके म्यूजिक को इसी तरह लेके मैं आगे बना, ताकि आने वाले यूथ लोग हम लोग का जो फोक चीज़ को नहीं भूलना है, वो चीज़ को सोच के मैंने ये गाना बनाया। ये ऐसे है कि मैं ये गाना से मैंने कहा कि यूनिटी होना चाहता है ये गाना से, कि ये गाना जो जब असमिक फोक को जब मैंने ज्वाइन किया तब जाके असम का आदमी लोग भी देखेंगे कि वाह कितना इंटरेस्टेड है हम लोग का फोक म्यूजिक पे, तो हम लोग का कल्चर जो कल्चर इसको भी वो सुनने का मन होगा, क्योंकि वो लोग का फोक भी मिक्सचर है, तो ऐसे देख के वो चीज़ यूनिटी चीज़ के लिए ही हम लोग का, ताकि ये गाना जो फोक चीज़ जो है कि हर जगह में ऑल इंडिया में वायरल हो, तो जानना चाहिए कि एक दूसरे को कल्चर एक्सचेंज होना चाहिए फोक में, इसके लिए बनाया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर चीज़ को मिलाने का चक्कर में गाना खराब हो जाता है, तो आगे के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तो आपको क्या लगता है कि आगे का आपका जर्नी कैसे रहेगा ये गाने का? आगे का जर्नी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि लाइव को तो नहीं बोलता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आज हमें या ऊपर पहुँच के फिर नीचे भी गिर सकता हूँ, तो आगे जर्नी के लिए तो मैं मेरा जो टीम है मेंबर है क्रू के मेंबर को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आप मेरा यहाँ पे एयरपोर्ट डाला है तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एयरपोर्ट डालेंगे तो ज़रूर और आगे कामयाब और इससे और अच्छा म्यूजिक एल्बम बनाने के लिए मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि ये गाना में जैसे कि मैं बहुत लो बजट से बना है ना, नहीं तो मैं बहुत अच्छा बनाता था गाना को, बहुत हाई बजट से करता तो मैं बहुत अच्छा, या मैं हम लोग वही विचार भी लोग कोई कोई वही विचार होता है कि इनकरेज नहीं करता है ये चीज़ को ना, इनकरेज टाइम पास गाना गा रहा है ऐसे करके छोड़ देता है, लेकिन कोई कोई लोग होता है कि बहुत इनकरेज करता है, जैसे अभी अच्छी लुक आया है ये लोग इनकरेज करने लाए है, और ऐसे नहीं कि मैंने हर एक पब्लिक लीडर को मैंने अप्रोच नहीं किया, हर किसी को मैंने अप्रोच किया, तो किसी से अच्छा रिस्पॉन्स आता है किसी से खराब रिस्पॉन्स, किसी से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ऐसे होता है, तो वो चीज़ हम ये सबक सीख मिलता है कि जो भी हो मेहनत करो, मेहनत कर कपल जो मीता होता है, कोई डिस्करेज करने से भी आप हिम्मत से उतो, हम लोग का यहाँ बहुत डिस्करेज चीज़ भी मिला, लेकिन हम लोग का स्ट्रॉन्ग का बाजी से ये एल्बम जो सक्सेसफुल हुआ आज। मेरा तरफ से यही होगा कि अभी तो मैं तो इतना आगे नहीं बढ़ा हूँ तो मेरे सजेशन देने का भी जगह नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि जितना भी आर्टिस्ट का जो मॉडर्न को लेके वो लोग करता है, लेकिन वो चीज़ को मैं थोड़ा से ये बोलना चाहूँगा, हम लोग का जो जो फोक है, फोक जो हम लोग का निश कल्चर का जो चीज़ है, वो चीज़ को लेके ऐसे म्यूजिक वीडियो बनाए कि आदमी लोग थोड़ा कल्चरल और फोक जो टचिंग हो, ताकि हर कोई एक्सपीरियंस हो मालूम हो कि फोक क्या है और कल्चर क्या चीज़ है हम लोग का निश समाज का ना, वो चीज़ को मालूम होने के लिए ऐसे म्यूजिक बनाए बोल के मैं यही सजेशन दूँगा।